सो गाइस वेलकम बैक, दिस इज दुर्गेश। थोड़ी देर पहले ही मैं पबजी खेल रहा था, गेम खत्म हुआ, मैं ट्विटर ओपन किया, ट्विटर पे जाके देखा कि ध्रुव राठी का एक कमेंट था जहां पर ट्वीट किया हुआ था उन्होंने कि डू यू सपोर्ट पबजी बैन, तो वहां पे लिखा था यस नो या फिर डोंट केयर। तो मैंने कुछ कमेंट्स और देखे नीचे, देखा अरे पबजी बैन हो गया, फिर न्यूज वेबसाइट पे जाके देखा रियली पबजी बैन हो चुका है। इंडिया में 118 एप्लीकेशन के साथ साथ पबजी भी बैन हो गया है। अब ये क्यों बैन हुआ है आपको क्या आप जानते हो, इसके पीछे क्या रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड पबजी बैन इज अगेन अ नेशनल सिक्योरिटी। जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी डेटा वो लोग चाइना को एक रत्ती भर नहीं देना चाहते। आज से कुछ टाइम पहले भी चाइना ने एक वॉर किया था, जब इंडिया पे आपको पता ही होगा बॉर्डर पे काफी क्लैशेस होते रहते चाइना के साथ। कुछ टाइम पहले टिकटॉक बैन होने से पहले भी एक बार चाइना ने कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा किया था बॉर्डर पे आके, फिर टिकटॉक बैन हुआ। अब वापस से चाइना ने एक दो दिन पहले ही बॉर्डर पे आके फालतूगिरी करी, पबजी बैन हो गई, 118 एप्लीकेशन और बैन हो गई, ऑलमोस्ट अराउंड 200 प्लस एप्लीकेशन इंडिया में बैन हो चुकी है जो कि चाइनीज है। और इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि चाइना को एक रुपया भी मिले इंडिया में, इंडिया की तरफ से। इंडिया में कितने भी एप्लीकेशन जो चाइनीज है सारे बैन कर दिए गए हैं, मैक्सिमम एप्लीकेशन बैन हो गए जिसमें चाइना का कुछ परसेंट भी है ना। टेंसेंट गेमिंग के बारे में आप जानते हो जो कि चाइना का है, चाइना की कंपनी टेंसेंट गेमिंग, जिसमें कि बहुत ज्यादा शेयर पबजी का, पबजी मोबाइल को बिल्ड करने वाली कंपनी चाइना ही है। हालांकि पबजी कोरियन कंपनी है पर चाइना पबजी मोबाइल को बिल्ड करने वाली कंपनी जो थी, पबजी को मोबाइल में लेके आने वाली कंपनी चाइना है, चाइना की है टेंसेंट गेमिंग, और उसमें बहुत बड़ा शेयर है पबजी का, तो इसलिए उसको भी बैन कर दिया गया। क्योंकि चाइना तो वॉर चल ही रहा है, कोई भी वॉर हो एप्लीकेशन बैन चाइनीज, ये एक नया तरीका बन चुका है इंडिया में लड़ाई करने का। आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं इकोनॉमिक को नीचे लाएंगे, इंडिया की जीडीपी तो ऐसे ही बहुत नीचे जा चुकी है, -23% पे आ गई है और चाइना 3% प्लस पे अभी भी बाकी देशों से, ठीक है। तो उसको भी घिराने के लिए बैन कर दिया गया क्योंकि सिक्योरिटी का बात है भाई, पबजी बैन हो गया अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे एडिक्टेड थे। पर इसमें क्या कुछ टाइम पीरियड लगाना चाहिए क्या, फिर चाइना से वॉर करने का तरीका पबजी को बैन करके क्या सही हुआ? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि इसमें कुछ गड़बड़ी या फिर कुछ रीजंस होने चाहिए, कुछ वैलिड रीजंस नहीं दिख रहे आपको, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर जरूर अपलोड करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।